Good morning, friends, and welcome back to your channel, Bondeliites. I am Nirupam. Hi, this is Sujata. And we are straight into your screen from Falcon Crest, Dhanaulti. तो एक नया दिन और एक नया व्लॉग. बाहर बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है और हम लोग जस्ट अभी उठ के नहा धो के रेडी होके बैठे हैं. बस बाहर जाएंगे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए. धूप में हम हमारा ब्रेकफास्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी का टूर करा देते हैं. हमने सिर्फ हमारा केबिन और केबिन के आसपास का एरिया ही दिखाया था, लेकिन ये प्रॉपर्टी काफी फैली हुई है. ऊपर पहाड़ पे कई लेवल्स हैं और उसके बाद एक छोटा सा ट्रैक भी है. तो हम प्लान कर रहे हैं, अगर मौसम सही रहता है तो हम थोड़ा सा छोटे से ट्रैक पे भी जाएंगे. तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इन द मीन टाइम कि हम आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कराते हैं. तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर. तो ये देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ. यहाँ पे लॉन बना हुआ है और ये सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं. और यहाँ पे इन्होंने एक वॉच टावर जैसा बनाया हुआ है. ये देखिए, इसे आप व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं. और यहां से व्यूज देखिए, दूर दूर तक पूरी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं. तो ये देखिए, अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले कॉटेज के बाहर. ये देखिए पैटियो है, ये विंडो और ये मेन एंट्रेंस है. ये देखिए, यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है कॉमन. और ये राइट साइड में एक बेडरूम है. ये देखिए, ये भी पूरा वुड फिनिश में ही है. ये वही विंडो है, देखिए यहाँ साइड में भी विंडो है जहां से बाहर लॉन दिखाई दे रहा है. और ये कॉमन वॉशरूम है. अच्छा नहीं, इंडिपेंडेंट ही है वॉशरूम. ये रहा यहाँ पे शावर केबिन. वुडन स्टूल्स रखे हुए हैं, बहुत रस्टिक सा डेकोर है, रस्टिक फिनिश है बिल्कुल. और यहाँ पे भी एक सोफा कम बेड है. यहाँ पे टेलीविजन है और ये ऑयल हीटर. चलते हैं इस रूम से बाहर. और ये है दूसरा बेडरूम, एक जैसा ही है. यहाँ पे भी ये ऑयल हीटर है, एक सोफा कम बेड, इनका अपना टीवी. इस साइड से लॉन, दूसरी तरफ से लॉन दिखाई दे रहा है. ये बेड हो गया यहाँ का.
अच्छा ये कॉमन टॉयलेट ही है, तो इसका एक्सेस उस साइड से है, ये वही वाला टॉयलेट है। यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है, फोर सीटर, और ये एक छोटा सा सोफा है। यहाँ पे सारी क्रॉकरीज हैं। ये बाहर पूरा सिटिंग एरिया है, देखिए। यहाँ भी लॉन है, और वो नीचे हमारा केबिन दिखाई दे रहा है, और वो गाड़ी खड़ी है। तो अगर आप लोग फैमिली को लेके आते हैं यहाँ पे, या दो फैमिलीज अगर आती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉटेज है। इनफैक्ट यही इन्होंने पहले बनाया था, हम जिस कॉटेज में रह रहे हैं केबिन में रह रहे हैं, वो बाद में बना था। ये देखिए बाहर से बहुत ही सुंदर लॉन है, यहाँ पे वेलवेटी ग्रास है, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ बेंच है, और यहाँ पे ये राउट आयरन का चेयर्स और सेंटर टेबल है। यहाँ पे एक और लेवल है, और वो छत दिखाई दे रही है, देखिए, जो इनका डबल रूम का सुइट है उसका। ये देखिए हम लोग कितने ऊपर आ गए हैं, वो नीचे हमारा केबिन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ये इनका एक स्टोर रूम है, और यहां से ये लोहे की सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। यहाँ पे इनका ये ओवरहेड टैंक्स रखे हुए हैं। और ये देखिए
ये फेंस जो है ये इस प्रॉपर्टी की बाउंड्री है। इसके पीछे ऐसे ही पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे एक गेट है कि अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक है जो पहाड़ की चोटी तक जाता है और वहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया था जो केयर टेकर हैं देशराज जी ने। तो चलिए, हालांकि यहाँ तक आने में हमारी सांस फूल गई है, इसी से पता चल रहा है कि दिल्ली के हवा ने हमारे फेफड़ों की क्या हालत की है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक भी थोड़ी दूर जा सके आप लोगों को दिखाते हैं। अगर हिम्मत टूट गई तो वापस आ जाएंगे, अगर ठीक ठाक सा ट्रैक हुआ तो उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। सुजाता पहले जा रही है और पीछे पीछे मैं, क्योंकि ये चली हुई रोड नहीं है, प्रॉपर्टी के साथ में है तो इधर से कोई आता जाता नहीं होगा। तो यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह कांटे वगैरह हैं। अभी हम सोच रहे हैं किधर से जाएं। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा यहाँ से रास्ता किधर है। देखते हैं जहाँ पे चलने लायक जगह मिल जाए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिजली का खंभा आ गया है तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें किस तरफ जाना है।